गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट. बिफोर स्टार्टिंग विद दिस आई वांट टू से दैट मैंने पहले सोचा था कि टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करूं, लेकिन मोबाइल में टेक्स्ट बुक रीडिंग करना इज़ टाइम वेस्टिंग बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. दैट्स वाई आई एम गोइंग क्वेश्चन वाइज. वंस आवर क्लास विल स्टार्ट एज नॉर्मल, जैसे नॉर्मल क्लास चालू हो जाएगा हम लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग भी करेंगे साथ में, ठीक है. टिल दैट टाइम वी विल रीड एंड राइट क्वेश्चन आंसर ओनली, राइट. वी विल गो विद द एक्सरसाइज. ओके, नाउ हियर टुडे वी विल कंप्लीट एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. फर्स्ट एंड सेकेंड शॉर्ट नोट्स. डायलेक्टिक्स एनालिसिस स्कूल, राइट. व्हाट डू मीन बाय डायलेक्टिक्स? अकॉर्डिंग टू हैगल, हैगल एक हिस्टोरियंस है जिसने हिस्ट्री लिखा था. अकॉर्डिंग टू हैगल, ग्रैस्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट. ग्रैस्पिंग द मीनिंग मतलब किसी भी मीनिंग को समझना, ग्रैस्पिंग मतलब समझना. ग्रैस्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट, किसी भी चीज़ को समझना पॉसिबल है, हैपेंस है पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट. दो अपोजिट वर्ड समझेंगे तो ही उसका मीनिंग समझ सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू हैगल, ग्रैस्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट. तो इस सेंटेंस का मतलब है, हैगल क्या बोलते हैं, ग्रैस्पिंग समझना मीनिंग, समझ किसी भी चीज़ का मीनिंग समझना पॉसिबल कब है, इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट. जब अपोजिट वर्ड समझेंगे तो, जैसे मुझे गुड समझना है तो बैड समझना पड़ेगा, ट्रू समझना है तो फॉल्स समझना पड़ेगा. सेकेंड पॉइंट में देखो वही लिखा है, ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट. ह्यूमन का माइंड जो है ट्रू नेचर नहीं समझ सकता जब तक उसका अपोजिट उसको समझ में नहीं आता. जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स गुड बैड एक्सेट्रा. थर्ड पॉइंट, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स वन नीड्स टू नो बोथ दी ट्रू एंड फॉल्स सिमिलरली गुड एंड बैड. तो अगर हम लोग को पूरा क्लियरली समझना है तो हमको ट्रू फॉल्स समझना पड़ेगा, गुड बैड समझना पड़ेगा. इज दिस क्लियर? दिस थ्री पॉइंट्स आर क्लियर. तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू हैगल, हैगल के हिसाब से ग्रैस्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट. हैगल के हिसाब से कोई भी चीज़ का मीनिंग समझने के लिए टू अपोजिट वर्ड समझना है. सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट. ह्यूमन माइंड जो है ट्रू नेचर कभी नहीं समझ सकता बिना उसका अपोजिट समझे, जैसे ट्रू फॉल्स गुड बैड. सी पॉइंट, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स वन नीड टू नो बोथ ऑफ द बोथ. अगर अपने को ट्रू नेचर समझना दोनों समझना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स एंड सिमिलरली गुड बैड. नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स इज एनालिसिस स्कूल. एट द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी आया हुआ था खत्म, न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी अरोज इन फ्रांस. फ्रांस में एक नया स्कूल चालू हुआ था विच इज नोन एज एनालिसिस स्कूल, जिसका नाम क्या दिया, एनालिसिस स्कूल. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ. एंड द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी के आने पे न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी अरोज, एक नया हिस्टोग्राफी का नया स्कूल चालू हुआ जिसको नाम दिया एनालिसिस स्कूल. बी पॉइंट, एनालिसिस स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन. एनालिसिस स्कूल किसने चालू किया, फ्रेंच हिस्टोरियन ने, राइट. थर्ड पॉइंट, एनालिस स्कूल गिव न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग. हिस्ट्री राइटिंग को एक नया डायरेक्शन दिया. इट वॉज रिकोगनाइज नाउ दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स, अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर, बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी. इसके बाद एक्सेट्रा लिखा तो भी चलेगा, ठीक. तो फर्स्ट पॉइंट, एट द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी आने पे न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी अरोज इन फ्रांस, नया स्कूल चालू हुआ फ्रांस में विच इज़ नोन एज एनालिस स्कूल, जिसका नाम क्या हुआ, एनालिस स्कूल. एनालिस स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन. एनालिस स्कूल किसने चालू किया, फ्रेंच हिस्टोरियन ने. एनालिस स्कूल गेव न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग. हिस्ट्री राइटिंग को एक नया डायरेक्शन दिया. इट वॉज रिकोगनाइज दिस, ये माना गया, हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स. बट मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ. थर्ड पॉइंट मैंने स्मॉल कर दिया. एनालिसिस स्कूल ग्रेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग. हिस्ट्री राइटिंग को नया डायरेक्शन दिया. इट वॉज रिकोगनाइज नाउ, ये जाना जाता है, हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स और ग्रेट लीडर्स. हिस्ट्री खाली पॉलिटिकल लीडर, किंग और ग्रेट लीडर के लिए नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. इज दिस क्लियर? तो थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ. एनालिसिस स्कूल ने नया डायरेक्शन दिया हिस्ट्री राइटिंग को. ये माना जाता है कि हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द किंग, क्वीन, इवेंट्स, ग्रेट लीडर्स, बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी. समझ गया? तो हिस्ट्री खाली राजा लोगों का स्टोरी नहीं है ये, बल्कि खेती का, व्यापार का, टेक्नोलॉजी का भी स्टोरी है. तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गया हिस्ट्री एनालिसिस स्कूल का. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
दैट इज दिस टू शॉर्ट नोट्स वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. हिस्टोरिकल रिसर्च वॉज ड्राइवन टू फोकस इन डेप्थ वे रिस्पेक्ट ऑफ वुमन्स लाइफ. पहला क्वेश्चन ये है. इस क्वेश्चन का मतलब है हिस्टोरिकल रिसर्च जो है उसने वुमन्स के ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया है, ऐसा क्यों? हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वुमन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, ऐसा क्यों? देखो ए पॉइंट, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी. फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब एक औरतों के लिए लिखा गया हिस्ट्री. फेमिनिस्ट मतलब औरतों के लिए. फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एम्फेसिस नॉट ओनली ऑन द इंक्लूजन ऑफ वुमन्स इन हिस्ट्री बट ऑल्सो रीथिंकिंग ऑफ मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री. फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में खाली नॉट ओनली ऑन इंक्लूजन ऑफ वुमन इन हिस्ट्री, वुमेन्स के बारे में ध्यान नहीं दिया है, बट ऑल्सो रीथिंकिंग ऑफ मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, मेल डोमिनेशन के बारे में भी सोचा है. नेक्स्ट, इट ड्रू रिसर्च टू फोकस ऑन डेप्थ वे रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूशन, वर्किंग फॉर देयर कॉज, देयर फैमिली लाइफ एक्सेट्रा. मतलब इट ड्रू, इसने अटेंशन दिया हिस्टोरिकल रिसर्च. इट ड्रू हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च को लाया है टू फोकस, फोकस में इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. वुमेन्स लाइफ के बारे में बताया है, सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूशन, वर्किंग फॉर देयर कॉज, देयर फैमिली लाइफ एक्सेट्रा. इज दिस क्लियर? देयर आर टोटल टू पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, फैमिली हिस्टोग्राफी एम्फेसाइज मतलब प्रेशर देना. फैमिली हिस्टोग्राफी प्रेशराइज नॉट ओनली इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री, वुमन हिस्ट्री के बारे में मैंने नहीं समझाया, बट रीथिंकिंग ऑफ मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव थियरी, मेल डोमिनेशन के बारे में भी रीथिंक किया है. इट ड्रू हिस्टोरिकल रिसर्च, इट ड्रू मतलब लेके आना. इट ड्रू हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ. वुमेन्स लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर हिस्टोरिकल रिसर्च को फोकस करवाया है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूशन, वर्किंग फॉर देयर कॉज, देयर फैमिली लाइफ एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉकल्ड कॉल्ड दिस मैथड द आर्क्योलॉजी ऑफ नॉलेज. फॉकल्ड ने अपने मैथड को आर्क्योलॉजी ऑफ नॉलेज क्यों बोला है? देखो यहाँ पे आंसर है, फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी माइकल फॉकल्ड ब्रॉट फॉर्थ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन हिस्टोग्राफी. फ्रेंच हिस्टोरियन जो था 20th सेंचुरी में, माइकल फॉकल्ड, ब्रॉट फॉर्थ न्यू कॉन्सेप्ट इन हिस्टोग्राफी. हिस्टोग्राफी में उसने नया कॉन्सेप्ट लाया. ही इन हिज बुक आर्क्योलॉजी ऑफ नॉलेज, उसने बुक का नाम क्या रखा? आर्क्योलॉजी ऑफ नॉलेज. ही आर्ग्यूड दैट, उसने बोला, प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट. मतलब उसने बोला कि पहले का जो प्रैक्टिस है हिस्टोरिकल इवेंट्स को आर्क्योलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना करेक्ट नहीं है. मतलब उसने बताया कि हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेक्ट अरेंज करना इज नॉट राइट. फॉकल्ड फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज मोर इम्पॉर्टेंट. फॉकल्ड ने बोला कि हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना चाहिए, एक्सप्लेन ट्रांजिशन, जो भी हुआ उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हैंस ही कॉल्ड हिज हिस्ट्री द आर्क्योलॉजी ऑफ नॉलेज. इसलिए अपने हिस्ट्री को उसने क्या बोला? आर्क्योलॉजी ऑफ नॉलेज. इज दिस क्लियर? तो टोटल तीन पॉइंट है. पहला है, फ्रेंच हिस्टोरियंस ऑफ 20th सेंचुरी माइकल फॉकल्ड ब्रॉट फॉर्थ अ न्यू कॉन्सेप्ट, उसने नया कॉन्सेप्ट लाया इन हिस्टोग्राफी. हिस्टोग्राफी में ही इन हिज बुक आर्क्योलॉजी ऑफ नॉलेज, अपने नए बुक में आर्क्योलॉजी ऑफ नॉलेज में, ही आर्ग्यूड, उसने आर्ग्यू किया, प्रिवेलिंग प्रैक्टिस, पहले का जो प्रैक्टिस था अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट. मतलब हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना करेक्ट नहीं है. फॉकल्ड फील्ड दैट, फॉकल्ड महसूस करता है, एक्सप्लेनिंग ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज मोर इम्पॉर्टेंट. हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना चाहिए क्यों हुआ, खाली हिस्ट्री बताना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हिस्ट्री को एक्सप्लेन भी करना चाहिए. हैंस ही इज कॉल्ड हिज हिस्ट्री आर्क्योलॉजी ऑफ नॉलेज. इसीलिए उसकी हिस्ट्री को क्या बोलते थे? आर्क्योलॉजी ऑफ नॉलेज. इज दिस क्लियर? द टोटल देयर आर टू क्वेश्चंस. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैड डन. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीनशॉट. एंड टू शॉर्ट नोट्स आर ऑल्सो देयर, जस्ट वेट फॉर दैट. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ डायलेक्टिक शॉर्ट नोट्स एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ एनालिसिस स्कूल. ओके, इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क. एंड प्रिपेयर द नोट्स फॉर दिस एंड memorize it also. It will be very helpful for you in the exam. Thank you. Have a great day.